वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स। आज हम करने लाइक इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस। एवांटेल लिमिटेड का स्टॉक में आज गिरावट कुछ 4-5% की, तो देखेंगे क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है नेक्स्ट वीक भी, या फिर हमें वापस एक रिबाउंड देखने मिल सकता है स्टॉक में। तो डिस्कस करेंगे क्या टारगेट्स होने चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा एनालिसिस आ चुका हमें वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में से स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और फिर देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। चलिए एकदम ब्लैंक चार्ट है, कहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हमारा एनालिसिस। मैं आ चुका थोड़ा सा पीछे, यहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी, तब जाके आपको पूरी पिक्चर पता चलेगी स्टॉक में क्या हो रहा है। चलिए वन वीक टाइम फ्रेम में आ चुका। वन वीक टाइम फ्रेम में आते ही एक पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा इजिली। वो पैटर्न है एक यू पैटर्न, एक बहुत अच्छा यू पैटर्न बना है, और स्टॉक ने बहुत बार यहाँ पे एंट्रीज दिए। ये देख सकते हो, इस ब्रेकआउट के आप एंट्री ले सकते थे, इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते थे, इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते थे, इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते थे। तो कंटिन्यूस बहुत सारे ब्रेकआउट्स मिले जहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, और उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते थे। अगर यहाँ से भी अगर आप एंट्री लेते तो आपको आराम से ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स मिल सकते थे, दैट इज वेरी वेरी गुड। सो ऑफकोर्स इस लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, ये दिखाता है स्टॉक की स्ट्रेंथ। बॉटम करने का इतना इंटरेस्ट दिया और उसके बाद से 80% के आपको आराम से इसी लेवल पे मिल सकते थे, बट स्टॉक ने और भी ऊपर ट्रैवल किया है, तो ऑफकोर्स आपके यहाँ पे 2-3 times आपका कैपिटल हो जाता। चलिए इसके बाद हमें क्या देखने मिल रहा है, स्टॉक ने दिया यहाँ पे किया फॉर्मेशन कंप्लीट है यू पैटर्न की, और फिर यहाँ पे दे दिया है एक अच्छा सा ब्रेकआउट। चलिए ये है वो लेवल जिसके ऊपर स्टॉक ने दिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देते वक्त स्टॉक में आए थे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स, ये रहे वो दो कैंडल्स जो दिखाता है ह्यूज बाइंग हुई है ब्रेकआउट के वक्त। इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छी बाइंग की है, बहुत अच्छे स्टॉक्स एक्युमुलेट किए हैं इन लेवल्स पे। आगे चल के क्या हो गया, आगे चल के वापस से स्टॉक ने दिया ब्रेकआउट, यहाँ पे फिर हो गया वापस से कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन जोन में जाके स्टॉक ने थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लिया, यहाँ कंसोलिडेशन में जोन गया स्टॉक 19 July 2021, और यहाँ पे फिर 28 February को वापस से यहाँ पे रिबाउंड देखने मिला स्टॉक में। अगेन स्टॉक में यहाँ पे अच्छा एक ब्रेकआउट आपको देखने मिला था, मैं वो दिखाऊंगा आपको डेली टाइम फ्रेम में। देखिए जब स्टॉक यहाँ पे आया, स्टॉक में यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्ड करना स्टार्ट हो गए, अगेन यहाँ पे स्टेप इन किया है इंस्टीट्यूशंस ने, और यहाँ पे फिर कंटिन्यूसली स्टॉक तो फिर रुका ही नहीं, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट वर्टिकल लाइन की तरह स्टॉक ऊपर चला जा रहा है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम में हमने यहाँ तक देख लिया कि क्यू पैटर्न कंसोलिडेशन वापस से ब्रेकआउट, और फिर जब इस वीक की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने मिल रही है थोड़ी सी वीकनेस। देखिए ये जो कैंडल्स बने दिस वन 1, 2, 3, 4, इनके वॉल्यूम्स देखिए बहुत हाई वॉल्यूम्स, इसमें इस वीक में भी बहुत हाई वॉल्यूम्स आए हैं, बट इस कैंडल में वो स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही जो इन कैंडल्स में दिखाई दे रही थी। इस देखिए क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगाया 1368, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट हाफ पे आके हुई है। इसका मतलब जो यहाँ से स्टॉक एक्यूमुलेट किया था, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा नीचे के लेवल्स पे, अब यहाँ से हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी बहुत। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, जब भी स्टॉक ऐसे लेवल से बाहर निकलता है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा जाता है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल एक्सपेक्टेड होती है। और अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आप करिएगा तो यहाँ पे एक भी रेड कैंडल नहीं बनी, कंटिन्यूसली 5 weeks में 5 green candles और वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है, तो ये होना ही था कहाँ पे ना कहाँ पे जाके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दिस वीक और नेक्स्ट वीक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले स्टॉक में, और वही हुआ है इस वीक में। चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके आ चुके हम डेली टाइम फ्रेम में, कर दो ये थोड़ा सा डिलीट। ओके आ चुके हम वापस से एक प्लेन चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम के, यहाँ से आपको क्या दिखाई देता था। देखिए ये था हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, सपोर्ट लेवल के बाद यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ पे दिया स्टॉक ने ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, वॉल्यूम्स आ गए थे,
जहाँ पे जिन्होंने बाय किया वेल एंड गुड, उसके बाद स्टॉक ने वापस से वही स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दिया। अगेन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे गैप बनी है, यहाँ पे गैप बनी है, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, एक दो तीन तीन जगह दिखे गैप अप ओपनिंग, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग देखने मिली और यहाँ पे देखने मिलती, बट वो गैप कवर कर लिया, उसके बाद से गैप देखने बंद हो गए और अब स्टॉक वापस एक स्मॉल कंसोलिडेशन जोन में जाते देखने मिल रहा है। तो इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो डिमांड इन लेवल्स पे आ रही थी, इस लेवल्स पे, इस लेवल्स पे, इस लेवल्स पे, वो डिमांड अभी इतनी नहीं आ रही। वॉल्यूम्स अगर देखे तो वॉल्यूम्स अभी फॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूशन अभी यहाँ से एग्जिट करना स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जिन्होंने नीचे के लेवल्स पे लिया, अगर यहाँ से भी आप देखें क्या रिटर्न्स आते हैं, तो ऑलमोस्ट 78% के मैसिव रिटर्न्स आते हैं, और ऑफकोर्स कोई भी यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना ही चाहेगा। तो यहाँ पे आज हुई अच्छी खासी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, ऑलमोस्ट 4.33% नीचे है स्टॉक। तो आई होप आपको स्टोरी समझ गया कि स्टॉक में क्या स्टोरी चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग क्यों देखने मिल रही है। चलिए आई की स्टोरी क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम स्टॉक से। चलिए देखिए बहुत सिंपल चीज है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, थोड़ा सा और हमें थोड़ा सा स्टॉक नीचे आते हुए देखने मिल सकता है, मे बी हमें ये गैप जो यहाँ पे थोड़ी सी गैप बनी ये फिल भी होते हुए देखने मिल सकती है, देर आर वेरी ह्यूज चांसेस, क्योंकि इतना स्ट्रांग ने हाई मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये गैप फिल हो जाए। चलिए लेवल्स देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट बन के आ रहे हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट लेवल जो कि बन क्या रहा है, 1125, 1125 की ओर से यहाँ से ये टच करके वापस से स्टॉक ऊपर जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये गैप फिल के गैप फिल करने के लिए स्टॉक आ सकता है नीचे के लेवल्स पे, बट इतना नीचे आ जाए मैं फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये गैप फिल्स कभी बाद में होगी जब बड़ा मार्केट क्रैश होगा या फिर बहुत खराब न्यूज आएगी एवेंटिल के, तब ये गैप फिल्स हो सकते हैं, बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक कि ये गैप अभी फिल्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लेवल्स एक्सपेक्टेड है, 1125 तक स्टॉक आ सकता है, और उसके बाद से ये सपोर्ट लेके सेम यही स्टोरी रिपीट होगी, स्टॉक प्राय कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अगेन ह्यूज मोमेंटम, स्टॉक यहाँ पे सेम कंसोलिडेशन, थोड़ा सा रिट्रेस, अगेन बाउंस बैक करके स्टॉक ऊपर जा सकता है, अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, और स्टॉक इसी स्टाइल में ट्रेड हो रहा है। क्यों ट्रेड हो रहा है इस स्टाइल में, फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है कंपनी के, इसलिए आपको जो भी लेवल्स पे स्टॉक मिलेगा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो भी मीन्स नीचे के लेवल्स पे जब स्टॉक मिलता है तो आप इसे एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको हाई रिटर्न्स ही देने वाला है फ्रेंड्स, इतने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। फ्रेंड्स ये था थोड़ा सा, नेक्स्ट क्या हो सकता है उसके लिए भी मैंने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट लेवल्स 1125 के आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो, 1095 अगर स्टॉक यहाँ से ही ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे अगेन एक्सपेक्टेड है, 1247 पे करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 1500 के लेवल्स आराम से आपको अचीव होते हुए देखने मिल सकता है, तो 1500 इज टारगेट, स्टॉप लॉस इज 1095, इन लेवल्स के साथ आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक के कैसा रहेगा स्टॉक का मोमेंटम, यहाँ से स्टॉक यहाँ पे जाएगा या फिर गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है, बट अगेन बड़ा क्रैश में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा स्टॉक से। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस इस स्टॉक पे, मैं और अपडेट्स लाता रहूंगा फ्यूचर में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपको इस स्टॉक के अपडेट्स भी चाहिए फ्यूचर में तो सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करके जाना। So that's it for today, friends. Thank you and God bless you all.